तो जिस प्रकार ईश्वर के दूत रहते हैं उन्हीं रूप पर आप लोग डॉक्टर्स इस धरती पर हैं कि कोई भी समस्या हमें होती है, कोई भी शारीरिक तकलीफ होती है, हम सर्वप्रथम हमारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। आपके परिवार के डॉक्टर्स जो भी हो, अगर थोड़ा वो प्रॉब्लम वाली बात हो तो बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास। मैंने मेरे कल के वीडियो में एक चीज कही थी कि हम एक भजन गाते थे, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक भजन गाते थे हम ईश्वर का, हम सब गाते भी हैं कि द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचे काशी। सो आज यह सब चीजें इसके भगवान इनके माध्यम से ठीक करा, इनको हम डॉक्टर्स कह रहे हैं। टुडे मेडिकल साइंस ने इतना अपना डेवलप किया अपने आप को कि आज की तारीख में आंखें बदल के नई आंख दे सकते हैं, दो आंखों से पांच व्यक्ति को रोशनी दे सकते हैं, नंबर वन। श्रवण सुनना बंद हो जाए तो यंत्र लगाकर सुनना दे सकते हैं। हार्ट खराब हो जाए हार्ट बदल देते हैं, लंग्स बदल वो लंग्स बदल देते हैं, लीवर खराब हो लीवर बदल देते हैं, किडनी खराब हो किडनी बदल देते हैं। ये कौन है? हाँ, ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो ज्ञान ईश्वर ने दिया इन लोगों को उसको लेकर आज हमारे जीवन में जो हमारी शारीरिक विषमताएं उसको दूर कर रहे हैं। और क्यों ना कहूं, कहीं ना कहीं हम धन्यवाद आखिर भगवान को देते हैं। तो ये आज की तारीख में स्पेशली व्हेन द पेंडेमिक टाइम, माय गॉड दे आर वर्किंग लाइक एंजल्स। एंड आई बिकॉज मैंने स्वयं ने देखा, आप लोगों ने भी अपना अनुभव देखा हो, तो मुझे आज लगा कि सेशन हमें इनवाइट करना चाहिए। और आज हमारे सेशंस में जो हमारे डॉक्टर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड प्रेयर रखी हमने, आज हमारे साथ में दो डॉक्टर्स हैं माइंड जो वाकई ईश्वर की दूत के, अंधा देखे लंगड़ा चल के, आज दोज आर अनेबल टू वॉक द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन द नीस, वह दूर करके उनको रिप्लेस करके उसको चलाने में, मैं खुद आंखों से देखा मैंने, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मंदिर में भगवान बैठे हैं, यही मंदिर ये भगवान के दूत बन के घूम रहे हैं। सब मार्केट पूरा ट्रांसप्लांट कर दिया नीस करके, शरीर के अंग की एक एक जानकारी, मतलब मैं इतना भी संभव नहीं कहूंगा, शरीर के वो ऊपरी दिखावे के अलावा अंदर की विज्ञान इतना पहुंचा डॉक्टर्स देखे चेंज ये भी था। तो सर्वप्रथम आज हम प्रणाम करते हैं सभी डॉक्टर्स को जिन्होंने हमें इस जब भी विषम परिस्थिति आई उस वक्त हमें ईश्वर के दूत बनकर में ज्ञान दिया। और डॉक्टर्स डे की समस्त लोगों को शुभकामनाएं। हमारे बीच में आज दो देखिए दो चीज और है, आज का सेशन थोड़ा विशेष और है कि आज हमारे बीच में सत्येंद्र सिंह जी भी हैं। डॉक्टर आशीष सेठ का मैं वेलकम करना चाहूंगा, डॉक्टर आशीष सेठ हमारे साथ में, जो वाकई प्लेइंग ए रोल ऑफ ए वन इसे कहते हैं एंजल। और जो डॉक्टर्स को ऊर्जा लगती है, व्हाट द डॉक्टर्स रिक्वायर, दे रिक्वायर ओनली योर फेथ, नथिंग एट ऑल। और वो फेथ आंतरिक शक्ति, और वह शक्ति आपके पास मौजूद है। कैसे? वह शक्ति का मुरादा कराने के लिए आपको मैं मिलाना चाहूंगा सत्येंद्र सिंह जी से। ही अवार्डेड इन द 2019 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज अ फिजिकल चैलेंज पर्सन बट नाउ डेज इज अ वेल नोन स्विमर। अपनी शारीरिक विषमताओं को एक तरफ रखे, अब सत्येंद्र जी ने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया, न जाने कितने पुरस्कार प्राप्त किए। तो इनके लिए भी मैं ताली बजाता हूं। डॉक्टर्स को क्या चाहिए? आपका जज्बा, एक सकारात्मक जज्बा। डॉक्टर्स भी नहीं कर पाएंगे, हम डाउट रखेंगे डॉक्टर्स पे, जस्ट सरेंडर, भाई डॉक्टर साहब आपके पास है, आप जानो आप बताओ, राइट? सो रियली आई एम वेरी वी आर वेरी प्लीज आज हमारे बीच में डॉक्टर आशीष सेठ साहब है और डॉक्टर सुमित शुक्ला सर भी ज्वाइन कर चुके हैं। प्रणाम करता हूँ सर पूरे परिवार के साथ और धन्यवाद देता हूं आपने हमारे छोटे से समूह को कुछ शब्द अपने द्वारा गौरव देने का लाभ पहुंचाया। प्रणाम करता हूं आपको आशीष सर, आपको भी, सत्येंद्र जी आपको भी, शुक्ला जी आपको भी, क्योंकि आपका जी दोनों का मैंने वे ऑफ वर्किंग देखा है, हाउ मच दे आर डिवोटेड, इवन समटाइम्स दे फॉरगेट देयर ओन प्रायोरिटीज, इवन दे फॉरगेट देयर लंच, देयर आफ्टर ब्रेकफास्ट, व्हाटएवर। मैंने खुद ने देखा अस्पताल में जाकर शुक्ला जी से मिला हूं। तो आइए आज हम सबको प्रणाम करते हुए मैं जया जी से निवेदन करूंगा, जया जी कंटिन्यू, जस्ट गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ।
Om Shri Guru Bhyo Namaha. Welcome all. I welcome you all again into this program of honoring and paying gratitude to our doctors on this National Doctors' Day. I, on behalf of the Divine Astro Healing Family and Krishna Guruji, would like to thank all the doctors of the entire world jo apne services provide karke aa rahe hain, and we are blessed to have two doctors with us, Dr. Ashish Seth and Dr. Sumit Shukla. And I would also extend a warm welcome along with both of them to Satyendra Singh ji. About him we have heard a few times now, and aaj meri honor aur pleasure hai ki main ye dono doctor ki introduction dene ki mauka mujhe mili hai. So I'll begin with the introduction of Dr. Ashish Seth ji. He is an MS in orthopedics. He has experience of 20 years in orthopedics and 15 years in joint replacement. He has experience of more than 1,50,000 knee and hip replacement till now. He is one of the young surgeons on earth, having so many surgery experiences at such a young age. He works as a senior consultant, joint replacement surgery, Shelby Hospital, Ahmedabad. He is a teacher in DNB Orthopedics postgraduate course, and he is of pioneer faculty in orthoplasty fellowship at Shelby. Till now, he has trained more than 50 joint replacement surgeons across India and the entire world. He has been a regular invitee in national and international conferences to deliver lectures on techniques of Shelby of knee replacement. He's an expert in complex knee and revision hip and knee replacement surgeries, and he has various publications in national and international orthopedic journals and books. Thank you. And we have heard about Shelby Hospital from Guruji's experience jab wo udhar gaye unki wife ki knee replacement surgery ke liye. We have heard great things about it and her progress and recovery. So first hand hame wo experience hai. Thank you again, Dr. Ashish Seth. It's my honor to introduce Dr. Sumit Shukla. He's a professor of surgery and in superintendent, super specialty hospital, and in charge of accident and emergency, WYH. And as अभी जो गुरु जी ने बताया, हमने ऑलरेडी सुने हैं कि उनका एक्सपीरियंसेस, उनकी फैमिली के एक्सपीरियंसेस कितना अच्छा रहा विद दैट डॉक्टर एंड ऑल्सो द स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल. एंड आई ऑल्सो केम टू फाइंड आउट ऑलमोस्ट थ्री हॉस्पिटल्स ही वॉज लीडिंग इन रनिंग द ऑपरेशन ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स. सो ऑल ऑफ अस आर ग्रेटली इंडेप्टेड सब डॉक्टर्स को, और ये दोनों डॉक्टर्स जो हमारे पास आज मौजूद है, जो सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड करके आ रहे हैं, और उसके साथ कोविड के टाइम में कितने सारे लोगों की जान बचाए, टेक केयर किए, एंड उनके जान को वो खतरे में डाले एंड टुक केयर ऑफ ऑल ऑफ देम. सो इट्स एप्ट फॉर अस टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर देम ऑन दिस नेशनल ऑनर्स डे. अलॉन्ग विद इट अ वार्म वेलकम टू सत्येंद्र सिंह जी, एंड वी आर सो मच इंस्पायर्ड बाय यू हाउ मच यू हैव अचीव्ड एंड हाउ फर्दर वी कैन प्रोपेल आवरसेल्फ ऑन अचीवमेंट्स. So I extend a warm welcome to you all, and obviously to all our DAH family members, and then I hand it back to Guruji now. Thank you all. Blessings. Thank you very much, Jayaji. And now, on behalf of all of you, just I welcome to both of you. Is give the introduction. Seth saab aur Shukla ji se mera vyaktigat sampark hua, aur main bada prabhavit hua. Pehle Shukla ji ki baat karu. Shukla ji se mera brother, you know, everybody know my brother is a paralytic. My God, no hospital want to rakhna nahi chahta tha hospital due to their problem. My God, super specialty hospital mein gaya, but get a homely touch. Isko kitne doctors har shehar mein, har gaon mein acche doctors hote hain, aisa nahi, aur har doctors acche hi hote hain. Wo hamari pasand na pasand se hame unhe kahin graded upgrade kar dete hain. Family doctors. So Shukla ji ko to pranam karta hu, aaj inne gigyo manandar life to my brother. और मैंने इनसे चाहकर जब देखा कोविड हॉस्पिटल में, माय गॉड कैसे घिरे थे, और इनकी सर्विस देख के मुझे आंखों में आंसू आने के बाद, ये भगवान से कम नहीं ये लोग. क्या मतलब कहाँ कहाँ का स्ट्रेस, कहाँ कहाँ तीन तीन हॉस्पिटल कंट्रोल कर रहे हैं, और कोविड टाइम में वेन नो बडी वॉन्ट टू कैन इंटर इन द हॉस्पिटल. प्रणाम करता हूं मैं अपने परिवार से शुक्ला जी आपका, कि आपने अपनी सेवाएं एक ऐसी दी है कोविड टाइम में कि मेरे ख्याल शब्द भी मेरे पास कम है. सो मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम शुक्ला जी हमें
आशीर्वचन दे अपने आज के दिन में। आज के हम आपको कुछ मांग ही नहीं सकते आपसे, आज हम आपको कृतज्ञ धन्यवाद दे सकते हैं। और आज तक जीवन में अभी तक जो भी मिला है हमें, इसमें कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर्स भाइयों का सहयोग पूरा है, क्योंकि विषमताओं में तकलीफ में जब छोटे थे तब अपनी माँ को याद करते थे, तो जब बड़े आ गए तो डॉक्टर्स को याद करते हैं। देशवी शुक्ला जी, मैं स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं आपको सिर्फ एक चीज आज बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स डे हम लोग क्यों मनाते हैं और आज डॉक्टर्स डे का महत्व आज के दिन क्या है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बनाया और देश के अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट के लोगों ने आज डॉक्टर्स डे पे क्या किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी आज एक श्रद्धांजलि जो है सभा रखी थी भोपाल में। डॉक्टर्स डे हम लोग डॉक्टर बीसी रॉय साहब, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रथम प्रेसिडेंट थे, उनके याद में हम लोगों ने डॉक्टर्स डे रखा है। उनका जन्मदिन और मृत्यु दिवस दोनों 1 जुलाई थी, इसलिए हम लोग जो है आज डॉक्टर्स डे मनाते हैं। लेकिन आज डॉक्टर्स डे श्रद्धांजलि दिवस के रूप में हम लोग पूरे हिंदुस्तान में मना रहे हैं। हिंदुस्तान में आज दिनांक सवेरे तक 1501 डॉक्टर्स ने कोविड में काम करते करते अपनी जान दी है। ये बहुत ही बड़ा फिगर है और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान ने आज डॉक्टर्स डे पे इन सभी कोविड मार्टर्स जिसको हम कहते हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि रखी गई। मध्य प्रदेश में भी करीब 50 के ऊपर डॉक्टर्स जो है वो अपनी जान कोविड में काम करते करते गंवा चुके हैं। मेरे खुद के अस्पताल में भी 3-2 प्रोफेसर और 1 जूनियर डॉक्टर जो है वो इस दुनिया में अब नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश इंदौर सभी दूर इन सभी डॉक्टर्स के लिए श्रद्धांजलि सभाएं रखी थी। जी कृष्णा जी, नेशनल डॉक्टर डे आपने बताया, वाकई हम प्रणाम करते हैं और वाकई पेपर से अवगत होता है कि युवा डॉक्टर्स ने अपने प्राण खोए हैं। और मेरा मानना, वो प्राण नहीं खोए, वो तो ईश्वर के दूत बनकर आए, ईश्वर के पास वापस चले गए। तो समस्त डॉक्टर्स को प्रणाम करते हुए मैं शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो हमारे साथ बने हुए ना, आप जाना तो नहीं ना। यस, आई रिक्वेस्ट टू आशीष सेठ सर, आप आइए और लेट्स, बिकॉज हम सामान्यतः एक तो कोविड का फियर जो हमारे पास है वो तो कैरी करके चल रहा है, हर इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। एक दूसरा और होता है कि सामान्यतः उम्र के साथ जो पैरों में दिक्कत आती है वो नीज की स्पेशली होती है, तो लेट थोड़ा बता कर। एक तो गुरु जी का सबका ये डॉक्टर्स डे पे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा हुआ है। ये कोविड के गुरु जी की बात सही है कि अभी हम लोग 2 फियर लेके चल रहे हैं, कोविड का और दूसरा है कि कोविड अगर थर्ड वेव आया तो क्या करना है उसका। और मैं घुटने का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताऊंगा घुटने के बारे में, हम लोग जो नी सर्जरी करते हैं उसके बारे में। और मैं स्लाइड शेयर कर सकता हूँ, स्लाइड शुक्ला जी तो प्रोफेसर रह चुके साहब, तो न जाने उनके हाथ के कितने लोग डॉक्टर बन के आज अलग अलग जगह सेवा दे रहे हैं। लाइफ इज मोमेंट, मोमेंट इज लाइफ, को अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे घुटने अपने पास होने चाहिए। और अपने आप, अपने आपके आजूबाजू काफी सारे मरीज ऐसे देखते होंगे घुटने ऐसे टेढ़े मेढ़े चल रहे हो, ऐसे कोई भी मरीज आपके आजूबाजू हो, अगर आपको चलने में दिक्कत आ रही हो तो ऐसे मरीज को डॉक्टर की आवश्यक आजूबाजू में डॉक्टर की एक बार जांच पड़ताल जाके ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास करनी चाहिए। जो घुटने का दर्द होता है वो एक प्रकार का नी का आर्थराइटिस होता है, जिसमें घुटने अपने घिस जाते हैं, तो उसका निदान करने के लिए कोई भी प्रकार के सिटी स्कैन या MRI की जरूरत नहीं है। आप सिंपल प्लेन एक्सरे करवाओ, उसमें पता चल जाएगा कि घुटने में आपका आर्थराइटिस है या नहीं। जो मरीज जिसको घुटने का घसा थोड़ा सा है, उसको दवाइयों से, कसरत से, फिजियोथेरेपी से, योगा से, प्राणायाम से और एस्ट्रो हीलिंग या कोई भी ऐसे नेचुरोथेरेपी से अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका घुटना अगर पूरा घिस गया हो तो उसका उपाय घुटने की सर्जरी होती है। मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा। हम लोग जो नी ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें करते क्या है, हम लोग जो दांत के अंदर ऊपर नीचे कैप लगाते हैं, ऐसी घुटने के सर्जरी में ऐसी घुटने की कैप लगाते हैं।
ये नॉर्मल आदमी का घुटना है, इसमें जैसे आर्थराइटिस चालू हुआ तो घुटना बाहर की बाजू टेढ़ा हो जाता है, जिसको हम लोग वायरस डिफॉर्मिटी बोलते हैं। काफी सारी मरीज में ये घुटना अंदर के बाजू टेढ़ा हो जाता है, हम लोग जिसको वाल्गस नी डिफॉर्मिटी बोलते हैं। ऐसा हल्का सा भी पाव बाहर की अंदर के बाजू टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो पेशेंट की चाल बदल जाती है, घुटने में दर्द होना चालू हो जाता है, मरीज थोड़ा चलता है तो उसके बाद फिर जाना पड़ता है। हम लोग जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं उसमें हम लोग ऐसी घुटने की कैप लगाते हैं, जो भगवान का दिया हुआ घुटना होता है उसका सिर्फ बाहर वाला भाग हम लोग छीलते हैं, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज को हम लोग निकाल के ऐसे घुटने की कैप डालते हैं, ऐसे ऊपर नीचे दोनों बाजू घुटने की कैप लगती है। तो ऑपरेशन के पहले एक्स-रे ऐसा दिखता है आपको, फिर ये लाइन मैंने बनाई है, इतना ही हम लोग भाग निकालते हैं, वो ये भाग निकाल के घुटने की कैप बिठाते हैं। नीचे वाला पार्ट है वो घिसा हुआ पार्ट निकाल के वहां पे भी घुटने की कैप लगाते हैं। ये ऊपर नीचे कैप लगने के बाद घुटना नॉर्मल होके दूसरे दिन से काम करना चालू कर देता है। ऑपरेशन के बाद दर्द ही होता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स होते हैं जो आलसीपाती लगा के अच्छी तरह बैठ सकते हैं, जिसकी चर्बी ज्यादा होती है, जिसके मसल कड़क होते हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग, उसकी आलसीपाती नहीं लगती। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पेशेंट कैसे आलसीपाती ऑपरेशन के बाद वो घर आ सकते हैं। कंपेयर कर रहे कि ऑपरेशन के पहले मरीज कैसा था, दोनों पांव टेढ़े थे, ऑपरेशन के बाद दोनों पांव सीधे हो गए, घुटने का दर्द चला गया, चाल भी बदल गई, मरीज अब लंबा चल सकता है, लंबे समय खड़े रह सकता है। एक मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा और अभी भी अपने इंडिया में ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास जिसके पास पैसा भी है, सामर्थ्य भी है, लेकिन क्या करना है वो पता नहीं, उसके लिए ये बीमारी लंबे समय तक खींचते रहते हैं। ऑपरेशन के दो हफ्ते के बाद वही मरीज है, उसका घुटना ठीक हो गया, हिप नी और एंकल में जो एक्सिस में जो टेढ़ापन था वो भी करेक्ट हो गया ऑपरेशन के बाद। छह महीने के बाद ऑपरेशन के पहले और बाद में कंपेयर करोगे, पेशेंट बोलता है भाई डॉक्टर साहब आप भगवान, हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग भी साइंस के ग्रेजुएट है, लेकिन हम लोग जो हड्डियों का विज्ञान है उसको अच्छी तरह से पेशेंट केस में इस्तेमाल करते हैं। अगर इतना टेढ़ा मेढ़ा पेशेंट भी अगर घुटने के ऑपरेशन से अच्छा हो सकता है, तो अगर सही पेशेंट सही डॉक्टर के पास और सही घुटना अगर सही जगह पे डलवाए तो नी रिप्लेसमेंट इज वन ऑफ द हाई highly successful surgery in term of patient's satisfaction. देखा आप लोगों ने? Yes. केवल डॉक्टर्स व्हाट दे नीड नीड योर फेथ कि आप समर्पित कर दो, दे आर नॉट ये लोग हैं नहीं कि आपको तकलीफ देने के लिए। इसका भुगत भोगी मैं हूं, मेरी भाई मेरी मिसेस का मैंने रिप्लेसमेंट करवाया आफ्टर गेटिंग ऑर्डर, अभी शी इज ओके। तो आज ये तो हमें डॉक्टर साहब ने नॉलेज दिया, शुक्ला जी ने भी जिस प्रकार से बताया हमें कि आप डॉक्टर को क्यों बनाते हैं, इसके दादी हमें तो आप जितना हम इनको धन्यवाद दे सकते हैं जितना इनको धन्यवाद दे सकते हैं, दे आर जस्ट लाइक ए गॉड। और वाकई वो व्यक्ति जो चल रहा था दो पैरों से, वह व्यक्ति वह चलने के बाद कितना वह उसके साथ उसका परिवार हाउ मच दे आर फीलिंग, रियली उनके फीलिंग क्या होंगे। और वाकई इन लोगों को भगवान बोलना कोई यथाशक्ति नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। जहां तक मैं सेठ साहब तो है अभी सेठ जी बार बार आप प्लीज शुक्ला जी की बात करूं, शुक्ला जी
ने सामान्यतः हमारे पैंडेमिक दौर में दो चीजें प्रमुखता कही, जिसके अंदर एक चीज थी वो कि वेंटिलेटर और एक ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन इंस्ट्रूमेंट। आई रोट इट टू मिस्टर नरेंद्र मोदी कि व्हेन ए पर्सन इज मेड एन कॉन्स्टिट्यूशन यू आर पुटिंग हिज फोटोग्राफ ऑन एवरीवेयर, आई रिस्पेक्ट देम, बट ए पर्सन हु इंट्रोड्यूस इन्वेंट वेंटिलेटर, हु इन्वेंट ऑक्सीजन, डॉक्टर बुलविलियम, नोबडी रिकॉग्नाइजिंग। क्यों नहीं? मैं शुक्ला जी आपके पास एक प्रश्न डालता हूं कि क्यों नहीं हम लोग उन लोगों का फोटो भी लगा के रखें? हम हमारे सरकारी महकमे में लगाते, हमारे पीएम का, अंबेडकर जी का प्रणाम करता हूं उनको मैं, लेकिन साथ में जब तक हम इन लोगों के एटीट्यूड नहीं लेंगे जिनने वेंटिलेटर किया, वेंटिलेटर के बगैर भी हम लोग असहाय, वेंटिलेटर हो गया, ऑक्सीजन जिन्होंने इन्वेंट किया। एक मैंने वीडियो दिया था बहुत पहले पेंडेमिक, मेरे आज के मेरे भगवान है वह लोग जिन्होंने ये इन्वेंट किया वेंटिलेटर, जिन्होंने इन्वेंट किया ऑक्सीजन मास्क, उसकी सर्विसेज हम लेकर यहां तक आए। शुक्ला जी, क्योंकि आप उस पद पर हैं कि आप उसमें कुछ कर सकते हैं। सर ऐसे तो जो है वो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें करना चाहिए लेकिन होती नहीं है। ये तो मेडिकल हिस्ट्री है जिसको कि हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करिकुलम में बहुत सारी चीजें आती नहीं है। इसी तरह से जो है अगर हम दूसरी भी हिस्ट्री देखें, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने खूब सारी अच्छी अच्छी चीजें करी है, लेकिन कोई भी नहीं जानता है कि उनको वो क्या गुमनामी में चले गए, चीजें करके बना के चले गए। आज जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बताया गया है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन किसने ईजाद किया वो भी हमारे को भी नहीं पता, ना अब हमारे आगे बच्चे जो है वो जानेंगे कि किसने ये किया। ऐसे एक्सरे है, एक्सरे भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें, एक स्टेंट है, स्टेंट किसने बताया जिसको कि हम लोग जो है हार्ट में डालते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि हम लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, हम भूल जाते हैं। ये भी हमारे करिकुलम में होना चाहिए। कई बार हमारा एसोसिएशन, हमारे लोग जो है वो बोलते हैं, लेकिन किसी चीज को बदलना ऊपर के लेवल पे बहुत कठिन काम हो जाता है। लेकिन फिर भी आपने ये जो सजेशन दिया है हम लोग उसको ऊपर तक पहुंचाएंगे, ये एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि लोगों को पता रहना चाहिए कि यह इजाद किसने किया, इन्वेंट किसने किया है। पेंडेमिक के दौर में ये दो चीज प्रमुखता से आई, इवन वेंटिलेटर, तो इन दोनों का मैंने जिस घर और मैंने माय पेंडेमिक गॉड दोनों के नाम लेके मैंने वीडियो दिया है, और बाकी सब लोगों को मालूम है इनके साथ चल रहा है, और इनको ये कहा कि भाई जिन्होंने इन्वेंट किया और आपके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं वो तो आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन कुछ तकनीकी डॉक्टर्स आज हमारे बीच में। शुक्ला जी धन्यवाद, अगर हमारे ग्रुप की वाणी को आप आगे तक ले जाएंगे, कम से कम ये जो प्रमुख चीजों का हो वो जरूर होना चाहिए, हॉस्पिटल में लगना चाहिए जी। आप भी देख के कि तो, और वो भी देखिए, आपसे सोल पे हम लोग जिस विश्वास रखते हैं वो सोल जहां भी होगी कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग तो छोड़ेगी देगी, ये मेरा मानना है। जो भी हो जिन्होंने इन्वेंट किया उनको रिकॉग्निशन, तो कोई ना कोई नए बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा भी फोटो लगे ऐसा, जस्ट लाइक इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन। अगर डॉक्टर साहब आशीष सेठ साहब और शुक्ला जी मुझे अलाउ करें तो कि मैं ग्रुप को बोल सकता हूँ कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहे तो पूछ सकते। बिल्कुल, सो एक तो प्रश्न मेरे पास आया था रचना का, रचना शीज फ्रॉम चंडीगढ़, बाकी वो बोले शी आफ्टर कोविड शी फील समथिंग ब्रीथिंग। रचना आप बताइए, पूछिए बेटा। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है। हाँ जी, मुझे ना अप्रैल एंड में कोविड हुआ था, कोविड पॉजिटिव थी मैं। उसके बाद उस टाइम पे तो इतनी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं थी ब्रीदिंग की, बट नाउ डेज आई एम फीलिंग कि मुझे बहुत ज्यादा शॉर्ट ब्रेथनेस रह रही है, एंड इट इज नॉट नाउ, इट इज ऑलवेज, मतलब ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हो रही है, और ये कोई टाइम फिक्स नहीं है कि मुझे मॉर्निंग में है या इवनिंग में, एनी टाइम ऑफ द डे आई कैन फील दैट ब्रेथनेसनेस है मुझे। कृष्णा जी मैं कुछ पूछूं इनसे? आप बेटा डाल रहे हो डॉक्टर, आपने कुछ स्कैन वगैरह कराए थे उस समय? हां जी, मैंने सीटी स्कैन करवाया था, उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट आया था? नहीं, रिपोर्ट वाज नॉर्मल, उसमें कुछ भी नहीं आया। अभी कुछ एक्सरे वगैरह आपने करवाया है? नहीं, अब नहीं मैंने कुछ भी करवाया। एक सिंपल एक्सरे करा के तो देख लें,
कई बार फाइब्रोसिस वगैरह होता है, कई बार हीमोग्लोबिन वगैरह करा के देख लें आप कि अगर आपका हीमोग्लोबिन तो ठीक है कि नहीं है। दूसरी चीज कृष्णा जी, एक चीज हमने और देखी है जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ा है मरीजों को। अगर रेगुलरली ये करें, पहले तो हम अपने फिजिकल प्रॉब्लम्स को देख लें कि वो है कि नहीं है, एक्सरे करा लें और एक सिंपल हीमोग्लोबिन करा के देख लें। अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, एक्सरे नॉर्मल है, तो आप ये प्राणायाम वगैरह करें, धीरे धीरे ये सब चीजें ठीक हो जाएगी। थैंक यू। एनीबॉडी मोर वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सत्यन, यू वांट टू आस्क? यू रेज द हैंड। उसके बाद रेडी रहना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हां बोलो। यस, थैंक यू सो मच, आपको धन्यवाद गुरुजी पहले तो। और मैं डॉक्टर आशीष सेठी सर से मैं पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है मेरे, क्योंकि मेरे को भी ये मेरा अभी जो प्रॉब्लम हुआ था, मेरा जो अभी फरवरी पहले तो प्रॉब्लम तो मेरे जो बचपन से ही थी, बट अभी मैंने फरवरी में अपना नी का ऑपरेशन करवाया था डॉक्टर पराग संचेती जी के यहाँ पुणे में, क्योंकि मैं वहाँ पे ही ट्रेनिंग लिया 2 साल इंग्लिश चैनल की, तो उनसे मुलाकात हुई। तो मेरे पैर हैं जो अभी पूरा स्ट्रेट नहीं होता था, तो उन्होंने बोला कि हम आपका नी में जो है ऑस्पोर्ट वो टिश्यू रिलीज किया और नी को थोड़ा उन्होंने कट करके ऐसे किया, तो अभी पैर सीधा हो गया था मेरा, स्ट्रेट हो गया। फिर धीरे धीरे उसको, तो अभी मैंने सुबह ही बात की, उन्होंने टेंशन नहीं लेने का, आपको स्विमिंग धीरे धीरे वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा जी, बहुत आपने बताया एडवाइस बहुत ही अच्छी, क्योंकि मैं तो आज कल मैंने फेसबुक पे गुरुजी ने फोटो देखा होगा डाला है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं खड़ा हो जाऊंगा, कभी नहीं सोचा था। बट नी रिप्लेसमेंट जो टेक्निक आई, जिसके वजह से ही आज हम अपने विल पावर और एक उम्मीद जागी कि नहीं, वी कैन वॉक एंड वी कैन स्टैंड। सो रियली आपका जो अभी आपने सारी चीजें बताई बहुत अच्छी लगी, और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को इसमें एक होप रखना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया और मैंने सारी चीजें ये सफर की है, तो बस यही, इसके लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो नी की सर्जरी होती है तो इसके बाद ऐसा कोई एक्सरसाइज वगैरह का कुछ शेड्यूल ऐसा रहता है क्या? नहीं नहीं नहीं, नी नी ट्रांसप्लांट करते उससे आपको 15 से 20 दिन फिजियो करनी होती है, वो बॉडी फुल आ जाती है आपके, यानी पाव पूरा मुड़ जाए आपका, सीधा हो जाए, उसके बाद फिजियो की जरूरत कोई नहीं होती। मैं यही करनी होती है। काफी टाइम तो हो गया, मे बी 5 मंथ हो गए, तो अभी बैंड होने में प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम। आपका टिश्यू रिलीज किया, नी रिप्लेसमेंट नहीं किया हुआ। टिश्यू रिलीज में क्या होता है कि आपके जो मसल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, उन्होंने नी भी छेड़ा था, उन्होंने नी कट करके ऐसे था ना, ऐसे करके वो ऐसे कर, लेकिन उन्होंने नी का टेढ़ा पोस सीधा किया, नी रिप्लेसमेंट नहीं किया। ना, नी रिप्लेसमेंट नहीं किया, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, हम लोग आर्टिफिशियल नी डालते हैं, आर्टिफिशियल नी दिन मरीज वापस, जैसे कोई भी गाड़ी हो उसमें टायर पुराने हो गए, नए टायर डाल तो गाड़ी दूसरे दिन पहले से चलना चालू हो जाएगी। तो नी रिप्लेसमेंट में ऐसा ही होता है। आपकी जो सर्जरी की है डॉक्टर संचेती ने, वो सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी ऑस्टियोटॉमी है, ठीक है ना, उसमें फिजियो लंबी चलती है। राइट, फिर भी मैं इंदौर, आप कहाँ से हो? आप? मैं इंदौर में ही रहता हूँ, और तो अभी बोलना है के बाद में, अभी बोल देते हैं। हाँ यस, तो अगेन थैंक यू सो मच गुरुजी, आज मेरे लिए बहुत ही अच्छा है कि मैं अपने थॉट्स से इतने सीनियर्स लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं। और पहले तो सभी को डॉक्टर्स डे की डॉक्टर, मैं यहां पर आपका आवाज नहीं आ रहा बेटा सत्यन, आपको शायद वो कर दिया, आपने म्यूट कर लिया अपना। You mute yourself. आप अनम्यूट करें अपने आप को। You unmute yourself. I already unmute yourself. I think you.
आपको हाँ अब हो गया हाँ तो पहले तो मैं डॉक्टर्स डे के ऊपर थोड़ा सा मैं 10 सेकंड का बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से एक सेना के जो हमारे आर्मी के जवान है, सेना के जवान है, जिस प्रकार बेटा वी आर अनेबल टू गेट योर वॉइस वापस आपका म्यूट हो गया बेटा सत्यन आप तो परिवार के हमारे मेहमान भी हाँ अनम्यूट करो हाँ बोलो यस जिस प्रकार से एक सैनिक हमारे देश की सेवा सीमा पर करते हैं उसी प्रकार से डॉक्टर्स भी हमारे देश की सेवा सीमा के अंदर हमारे जो जो एक नागरिक है उनके लिए करते हैं। देश की सेवा ऐसा ही नहीं है हम आर्मी में जाकर देश की सेवा करें, हम अपने समाज में रहकर अपने समाज की सेवा करके भी हम बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, जिस प्रकार से एक डॉक्टर्स भी हमारे देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो मैं सभी को मैं बहुत प्रणाम बेटा तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है हेलो एक सम एक डॉक्टर सी है एक डॉक्टर भी एक देश के अपने इस जीवन देने के लिए तो हेलो हाँ बोलो आवाज आ रहा है जल्दी तो ये मैं डॉक्टर सी द डे इस वजह से हम जिससे हम आगे एनालाइज कर सकते हैं, सम्मानित किया जाता है, उसके बारे में एनालाइज सोच की जाती है कि हमारा ये डे है तो हम इसको कितने अच्छे तरीके से कार्य को कर सकते हैं। तो ये है और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मैं एक छोटे से गांव से निकला हुआ एक छात्र कहो या एक स्ट्रगल पर्सन कहो, तो ये गाँव से निकला और मैं 70% व्हीलचेयर बाउंड पर्सन हूँ, आई कांट वॉक विदाउट व्हीलचेयर, बट मैंने अपनी सोच को रखा कि व्यक्ति दिव्यांग उसका शरीर हो सकता है मगर उसकी आत्मा दिव्यांग नहीं हो सकती। तो इसी सोच और इरादे के साथ मैंने गांव से निकलकर एक अपने आप को मजबूत किया और सोचा Disability is not physically, disability is the bad attitude of person. जो व्यक्ति की सोच और मन वो दिव्यांग होता है, शरीर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो वो दिव्यांग नहीं कह सकते। और जो लोग दिव्यांग सोचते हैं जो शरीर है प्रॉब्लम वो उनके अंदर जो पावर होती है उसको देख नहीं पाते हैं, और मैं कहता हूँ जो अंदर जो एक अनविजुअल पावर होती है वो दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। तो हर दिव्यांग में भी दुनिया को बदलने की ताकत है। तब कहीं जाकर मैंने 7 नेशनल और 3 इंटरनेशनल में पदक लेके अभी तक 24 मेडल हासिल किए, और आप जैसा गुरु जी ने बताया मैंने बॉम्बे में 33 किलोमीटर 5 घंटे 42 मिनट में स्विमिंग किया, फिर मैं लंदन में गया इंग्लिश चैनल किया, जो इंग्लिश चैनल एक 36 किलोमीटर सी स्विमिंग होती है मगर 40 पड़ती है और 10 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो अपने फोकस और सोच और इरादे के साथ वो उसको किया, और इसके बाद हमने कैटरीना चैनल जो 36 किलोमीटर है यूएस में उसको पार किया, बट एक सोच और मजबूत इरादों के साथ। तब कहीं जाकर हमको 2019 में बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर मिला, फिर लास्ट ईयर तेंजिंग नॉर्गे एक साहसिक अवार्ड होता है माउंट एवरेस्ट को मिलता है, वही अवार्ड हमको मिला, फर्स्ट पैरा स्विमर को इंडिया में दिया गया। और खुद प्राइम मिनिस्टर महोदय जी ने एक सोच थी बुलाया और खुद मेरे लिए उन्होंने ट्वीट किया, ये मेरे लिए प्लेजर की बात है, ये मेरे लिए प्लेजर की बात नहीं है, उन सभी दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए प्लेजर की बात है कि अगर इरादा सच्चा है, एक लक्ष्य है, कुछ करने का जुनून है, तो मैं कहता हूं कि आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, बशर्ते हमें अपने पर विश्वास करेंगे तो दुनिया विश्वास करेगी, जब हम अपने पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो अपने मैं तो हमेशा यही सोचता रहा कि जिंदगी युद्ध बनाकर दी तो क्या हर बार हथियार डाल दूं, जिंदगी अगर रेत बनाकर दी तो ऐसे ही फिसलने दूं, जिंदगी अगर दिव्यांग बनाकर दी तो ऐसे ही रगड़ने नहीं दूंगा, मैं तो कहता हूं अपने आत्मविश्वास के सहारे से भी चल लूंगा। तो एक आत्मविश्वास 5 मिनट लूंगा थोड़ा सर,
हेलो बोले, 5 मिनट, 5 मिनट में मैं कंक्लूज कर दूंगा। हाँ हेलो, बोले बोले। हाँ, तो यही चीज मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, व्यक्ति हर कोई सफल हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम्स जीवन में बाधा नहीं आती, बशर्ते हमें अपने पर विश्वास हो, लक्ष्य निर्धारित हो और उस पर अपना रोड मैप हो, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं हरा सकती। जो आप करना चाहते हो सफलता जरूर मिलेगी, बशर्ते हम एक मेंशन करना चाहेंगे, बहुत से लोग हम जीवन को ऐसे ही निकाल देते हैं, पिछला सोचते हैं और आगे के बारे में सोचते हैं। हमें ये नहीं सोचना है, हमें वर्तमान के बारे में सोचेंगे तो भविष्य में भी हमें एक ऐसी स्थिति पर पहुंचेंगे, अपने अतीत पर भी हम गर्व करेंगे। और हमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो अपने अंदर सुधार करना है वही चीजों को मजबूत बनाता है, और सकारात्मक सोच हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, क्योंकि जो नकारात्मकता है वो कार्य की शुरुआत तो कर देते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं वो, मगर वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, और जो मंजिल तक वही पहुंच पाता है जो सकारात्मक सोच व्यक्ति को आगे बढ़ती है, तो वही जिंदगी में। तो मैंने अपने सकारात्मक सोच और खुद पर विश्वास और लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ ये कार्य किया, और तब कहीं जाकर मैंने ये यहाँ तक मैं पहुंच पाया हूँ, और मेरे को ये थोड़े से इस वेबिनार में मेरे को बुलाया इसके लिए, और सभी ने सम्मान पूर्वक सुना इसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आदरणीय गुरुजी का भी तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और कभी लंबा सेशन होगा तब अपना डिटेल में मैं अपने बारे में बताऊंगा, और इस एक बार आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सत्यन जी, गिव ए क्लैप। तो व्हाई आई चूज सत्यन जी टुडे, व्हाट द डॉक्टर्स नीड, दे नीड योर विल पावर। हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा पूरा विश्वास है। अगर ये जज्बा लेकर हम शुक्ला जी के पास गए और ये जज्बा लेकर सेठ साहब के पास गए तो हमारी रिकवरी फास्ट होगी। अगर हम पहले डाउट कर लें ये डॉक्टर सही बोल रहे कि नहीं, सामान्यतः जो ऐसा होता है वी आर स्टार्टिंग फॉर आवर ओन डॉक्टर, प्लीज बचे उससे। ये मैं बहुत भुगत हुई हूँ, मेरे को कम से कम 5 बीमारियां हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं डॉक्टर से जो चर्चाएं होती है, मैं करीब मुझे तो क्या क्या बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ डॉक्टर्स डे पर आज, डॉक्टर्स तो दे नीड व्हाटएवर दे वांट टू हील, आपको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव एटीट्यूड से, जो कि सत्यन जी ने बोला और परिवार के लोग, कहीं ना कहीं वो एक इनकी रिकवरी में हैंडल बनता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आज तो सेठ साहब हमारे बीच में, शुक्ला जी हमारे बीच में, जब भी किसी भी डॉक्टर के पास जाए गो विद द पॉजिटिविटी, है ना। Now again I am coming on the question, I don't, किसी का प्रश्न किसी का है? रूपा, anybody want to ask? अनिल, yes, few more minutes for question. मेरा question डॉक्टर आशीष सर से हैगा। आशीष सर, मेरे को 5 साल पहले थोड़ा सा पैर में चलने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो मैंने MRI कराया था, तो मेरे को AVN avascular necrosis करके बताया था, second stage। तो मैंने इंदौर में एक दो डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने बोला था हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा मेरे डॉक्टर बॉम्बे में रहती है, तो उसने मैं कहीं सोर्स निकाला था, तो हिंदुजा हॉस्पिटल में डॉक्टर संजय अग्रवाला करके उनको मैंने दिखाया था, तो उन्होंने बोला कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, मेरे को उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था 3 साल का, वो मैंने लिया, मेरे को पूरा ओके हो गया बच्चों। तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती है उसमें, मेरे को 5 साल हो गए इस बात को। देखो देखो, AVN अगर आपका स्टेट 2 है ना, तो स्टेट 2 से स्टेट 3 में तो जाना ही जाना है। कब जाएगा, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, क्या 10 साल के बाद, वो अपने को पता नहीं। आपको अभी चलने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो बिल्कुल बस बस चलो, दिक्कत नहीं तो कुछ नहीं करने का, मस्त मस्त जो कर रहे हो करो। अगर आपको जब भी चलने में दिक्कत हो थोड़ा भी चलो, बाद में चलने का कम हो जाए, हिप में दर्द होना चालू हो जाए, तब वापस MRI करके देखेंगे। तकलीफ नहीं है तो I just wanted to ask Dr. Sheth, can you avoid knee replacement with regular exercising?
No, we can't avoid knee replacement with anything. See, it's not a disease. जो knee arthritis घुटना के गिर जाता है वो कोई रोग नहीं है, समझे आप, वो बुढ़ापा है, बुढ़ापा। तो ऐसी कोई भी दवा नहीं है कि जिससे बुढ़ापे को। डॉक्टर इंग्लिश में बोले आप, इस डॉक्टर ने बोला। शी अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी ना, प्लीज सही हिंदी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, यस। अरे रूपा जी, अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी। ओह सी द नी आर्थराइटिस इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ एजिंग बेसिकली। Delay it with the help of the physiotherapy, pranayam, good food, regular exercises and everything. Like in, we can't say with the use of any other treatment we can avoid the knee replacement forever. It's aging basically. Oh, okay. Thank you. Yeah. Abhi hum last question mein Dr. Saab, yes, we want to ask Shukla ji, ki still the COVID fear. कोविड फीवर इज हॉबी ऑन फियर, कोविड का फियर उसके फीवर से ज्यादा खतरनाक है। तो अभी वो नई नई बातें आ रही है, डेल्टा वेरिएंट है, ये क्या है, एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर वैक्सीनेटेड, आई थिंक एवरीबॉडी फ्रॉम डिफरेंट कंट्री दे गॉट वैक्सीनेटेड, उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके बाद वो जो अज्ञात भय अननोन फियर होता है उसके लिए हम क्या करें सर, इवन मैं भी शामिल हूँ उसमें। कृष्णा जी, मैं आवाज आ रही है? मैं ना कुछ चीजें ये बताना चाहूंगा कि अभी सेकेंड वेव भी अपनी खत्म नहीं हुई है, अभी सेकेंड वेव चल रही है। कई बार ये लॉकडाउन का इफेक्ट रहता है कि पेशेंट्स कम हो जाते हैं, लॉकडाउन खुलता है उसके कुछ समय बाद पेशेंट्स बढ़ते हैं, जो हम यूपी में कुछ देख रहे हैं, कुछ राजस्थान में इफेक्ट आ रहा है। अब मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि जो वायरस है उसका एक नेचुरल फिनोमेना रहता है, वो अपना स्वभाव और प्रकार चेंज करता है, उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो डेल्टा का जो म्यूटेशन हुआ तो वो डेल्टा प्लस हो गया, हो सकता है 6-8 महीने बाद कुछ लैमड़ा गामा इस तरह के कोई वेरिएशन इस वायरस के आएंगे। प्रश्न कुछ 2-3 चीजें हैं कि क्या हम अभी सेफ हैं। हम सिर्फ सेफ तभी हो सकते हैं जब हमें 2 डोज वैक्सीन के लगेंगे। ज्यादातर लोगों को अभी 1 डोज वैक्सीन का लगा है, वो पूरी तरह से सेफ नहीं है। सेफ अगर हमको रहना है तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट जो एक्सरसाइजेस हैं वो करनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा, बाजार में ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना, मास्क हर समय पहन के रखना, शादियों में, पार्टियों में, सोशल गैदरिंग्स अभी भी अवॉइड करना, क्योंकि हमें नहीं पता जो हमारे साथ में व्यक्ति बैठा हुआ है वो एक कैरियर है कि नहीं है। सिंगल डोज वैक्सीनेशन पूरा प्रोटेक्शन नहीं देता है, जब तक 2 डोज वैक्सीन के नहीं लग जाएंगे उसके भी 1 महीने बाद एंटीबॉडीज बनती हैं, वो भी 80% या 85% लोगों में बनती है, 10-15% लोगों में नहीं बनती है। सो हमें बहुत केयरफुल रहना है, अभी भी 1-1.5 साल और केयरफुल रहना है कि हम सावधानी रखें, हर समय मास्क पहन कर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें। दूसरी बात डेल्टा प्लस की है, तो ये एक नॉर्मल वायरस का फिनोमिना है, वो चेंज होता है और आगे भी नए नए वेरिएशंस आएंगे, उसके लिए हमें हो सकता है 1-2 साल तक वैक्सीन लगाते रहना पड़े, क्योंकि वैक्सीन भी चेंज होगी और वायरस के अनुसार जो है वो वैक्सीन चेंज होगी जो उसमें इफेक्टिव रहेगी। जी कृष्णा जी, Mentally, see, it depends upon patient to patient, but we have seen a lot of patients who have developed cardiac problems and who have developed chronic or permanent lung problems. So the patient has to be very aware, he has to get himself checked regularly, and if the patient is suffering from diabetes, hypertension, then there is a possibility that a cardiac problem or a permanent lung problem, if the initial CT scan shows lung involvement, it can happen. Lung fibrosis can happen and that will lead to a lower lung capacity. But yes, we have seen a lot of patients, there was a
there was a surge in cardiac problems post COVID. So a person with a family history or with diabetes, with hypertension, he should get himself checked regularly for any cardiac problem. What specifically on cardiac problems would you suggest? Coronary artery diseases are the most common problem that these patients are having, because there is a hypercoagulation state that develops. So if he has some angina, he has some pain, he should immediately go and get himself checked. Thank you, doctor. Last two questions, then we go for the prayer. Last two, anybody, Kanchan? Say first your name, from where you are. Yeah, I'm Kanchan. I'm actually from Dubai. Doctor, I have a question for Dr. Shukla. Dr. Ji, now that you said that people should have two doses of vaccine, but I know of a person, in spite of having two doses, has succumbed to the disease. So how we say that the vaccines are safe? I just wanted to know that. Yes, thank you. This is what I told you initially also. The efficacy of vaccine are different. Some vaccines are 75% efficacious, some are 85, some are 90. This means out of 100, 85% of people would be protected. But 10 to 15% of persons will not be protected. Their immune system will not respond to the vaccines. So it is necessary sometimes that, you know, if we can do, we get our antibody levels checked 1 month after vaccination, the second dose of vaccination. And if the antibodies are not there, then we are still in the susceptible group. So why that person did succumbed, it is very difficult to say. Maybe his immune system did not respond to the vaccines. This is all what we can say. No, Poonam. Okay, thank you, doctor. Happy Doctor's Day, both the doctors and thank everybody. You. Thank you, doctor. Thank you very thank much. Thank you very much. I'd like to pay my heartfelt gratitude to the whole fraternity of doctors who are next to God, and it has been proved time and again. Any amount of gratitude would ever be, you know, it would always be less. The kind of service that this fraternity has been doing for us. I have a little question that I have, you know, few of my colleagues, those who got vaccinated, they say that after the vaccination, they are experiencing a certain stiffness in their joints. So is it related to the vaccine or is it otherwise? And they are not like very old or something. They're in the age group of like around 40s or so. So is there a connection? Or is it is just probably mere their thought process? Was the stiffness for a longer period of time or has it gone by now? No, they have received only the first dose because 18 to 45, the vaccine was started just now. Because what happens is there is a reaction, an immune reaction which happens after the first dose. Even after the second dose also it happens. So it varies from body ache to fever, headache, and sometimes, you know, joint pains also. So it varies. It depends upon how your body responds to it. But slowly and gradually, within 2, 3, 4 days, it goes away. And with a simple dose of paracetamol, it goes away. We do not have to take any other medicines for it. But if it remains for a longer period of time, then one has to, you know, go and get it checked. Ki why is it happening? But if it is there for 3-4 days, then it is a very normal phenomena. And usually it is a response to the vaccine. The immune system is charged up. So it happens. But 3-4 days, usually a person becomes okay. It's been approximately a month or over. Around 35-40 days and the pain is still there. Then he has to get himself checked. Why is it there? And like you were discussing about the efficacy of the medicine. So that means those people who did not develop fever or certain stiffness or probably It does not happen to everyone. See, okay. It does not happen to. There are certain people who do not have immunity. Still, they respond to the vaccines and they develop antibodies. Okay. So
usually we say ki if you have fever, then you know your immune system has responded. So this is like that. But sometimes it does not respond. And if you can get your antibodies level done, get it after 1 month of your second dose. All right. Well, the only I just correlated it. You said that it's 85% efficacy. So if it is 85%, every vaccine has its own efficacy. No vaccine says that it is 100% safe. It can protect 100% people. No vaccine can say this claim. All right. Thank you so much. We are so blessed that my God, the gods are directly here and we are talking with them. Just feel the value when you suffer from the COVID and my God, us waqt hum hamara ishtar bhagwan tak ko bhool jate hain. Aur inme bhagwan bhoolte hain. I still remember in the case of in Indore, when the remdesivir injection was, everybody was such a, nobody was keeping attention. Sab apne apne aaradhya bhagwan ko bhool gaye. Keval apne, sirf remdesivir pe dhyan. Anybody question having more? Any, should I close it? Okay. Now, Dr. Sahib, I request you, because our God today is with us. So just we want to offer a 2-5 minutes prayer for to you. For 5 minutes only. Now everybody keep your eyes closed. Ek lambi gehri shwaas bharenge. And exhale the breath. Tujhmein Narayan, Tujhmein Narayan. Every person has a God. Today we are the God particles. Is it Dr. Shukla ji, Dr. Ashish Seth sir? First, bring your attention to your first doctor. Remember, recall your past. Apne ateet ko yaad kare. Yaad kare apne pehle doctors ka chehra. Start to paying the gratitude to your first doctor. Think of your family doctors. They sent the divine angel by the God. Just pay the gratitude to both doctors are here, Shukla ji and Ashish sir. We pray for healthy, long life for both of them. It may be conditional because they are off the bed. Lot of persons can be cured by them. Ishwar inko lambi ayu de, taki adhik se adhik seva kar sake. जज्बा सत्येंद्र जी के साथ हर हिम्मत विषमता को साथ में लेके चलने की कला. डॉक्टर्स नीड योर फेथ ओनली. टेक द कमिटमेंट विद योरसेल्फ व्हेनेवर यू गो इन फ्रंट ऑफ एनी डॉक्टर. किसी भी डॉक्टर वाले पूर्ण विश्वास के साथ यानी be yourself in the namaskar mudra. Namaskar mudra mein lekar abhi tak jeevan mein jitne bhi doctors aapke jeevan mein aaye, doctor, hospitals, medical merchants, just pray, heal and bless to everyone, for them, for their family, everybody here, the God particles, us ishwari tattva se kritagnata hai sabhi doctors ke liye. जिनकी प्रतिबिंब के रूप में डॉक्टर सेठ सर शुक्ला जी हैं. Bring your attention where any problem है. शरीर में कोई भी व्याधि हो, कोई भी दर्द हो, परेशानी हो, वहां ध्यान ले जाए.
लंबी गहरी श्वास भरें। विजुलाइज योर ओन फेस, अपने स्वयं का चेहरा याद करें। बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, निश्वासों के प्रति अपना ध्यान लें। Every incoming breath giving charging to the body. Every exhaling breath relaxing the body. हर अंदर जाने वाली श्वास शरीर को एक शक्ति दे रही है, बाहर जाने वाली श्वास विश्राम दे रही है। All attention on incoming and outgoing breath. In the presence of the divine angels, let's we all collectively pray, not for our town, not for our country, for all over the globe, anyone is suffering from any pandemic or any health issue. Collectively, let's pray, heal and this you can. विश्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा, हर कदम मेरा प्रदक्षिण तेरा, हर हृदय मेरा सुरसाज तेरा, हर श्वास एंड बिकम अवेयर ऑफ योर नेम, अवेयर ऑफ योर ओन बॉडी अलोंग विद अ स्माइल, ग्रेटिट्यूड स्माइल टुवर्ड ऑल डॉक्टर्स, first God in your life. तब ये मुस्कान के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। Over to Jay ji. Unmute yourself. Jay ji. मेरी आवाज आ रही है अभी? Yes. Thank you, Guruji, for this wonderful prayer. And thanks, Sumit ji and Dr. Sumit ji and Dr. Ashish ji, जो हमारे participants के सबके questions answer किए. Thank you, Satyendra ji, जो आपने you talked about आपके experiences and your achievements. Great to hear. Now I request Shri Krishnan ji, also from the US, to offer the oath of thanks. Thank you. Thanks, Jayaji. Namaskaram, Guruji, and good evening to people in India, and good morning to people in the US, and to people present here. It's my honor to present the vote of thanks tonight. Let me start by giving gratitude to the Almighty God for making this session a great success. First and foremost of all, I would like to thank our special guest, Dr. Sumit Shukla ji and Dr. Ashish Seth ji, for graciously accepting the invitation on this National Doctors' Day. I express my heartfelt thanks to Dr. Ashish ji, Senior Consultant and Joint Replacement Program at Shalby Hospital, for the wonderful message and contributions to the society. Sir, we salute your contributions. And you have enabled so many people to walk. Thank you for such information presentation on the knee replacements. My sincere thanks to Dr. Sumitji, Professor of Surgery, Accident Emergency in Charge, Superintendent, Super Specialty Hospital, who made it possible to attend
amidst his busy schedule and providing his inspirational presence. Dr. Sumitji and Ashishji, you are true angels sent by God to Mother Earth to selflessly help the hurt and the needless. Thank you very much. As Guruji rightly said in the session, we remember our mother when we are young, but we remember the doctors when we grow up. Apt and very well said, Guruji. My sincere and heartfelt thanks to to Satyendra Ji for the exciting and the inspirational message. You have always been an inspiration to all of us. Finally, my special gratitude and thanks to our Guruji, Sri Krishna Mishra, for organizing this event and continually celebrating days to honor selfless people in our society. Guruji, your selfless, magnanimous, compassionate teachings, your vision, unstinted support via healings and teachings and guidance are immeasurable and priceless. Last but not the least, I thank my brothers and sisters in the DIH group for supporting Guruji and one another, and through active participation, making this program and session a grand success. Thank you very much. Thank you very much. Again, Shukla ji ko pranam karta hu, Ajay sir sab ko pranam karta hu, aur kritagyata dhanyawad deta hu ki aapne apna ko samay is chote se group ko diya, lekin mera pura vishwas hai chota sa group aapki awaaz ko, aapke sandesh ko alag alag jagah pahunchane mein saksham hoga. Dhanyawad aap sabhi logon ko group jain ke session jain ke.